Hi everyone, welcome to your channel, I learned. आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 का थिंकिंग अबाउट अ टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और जरूर देखें. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन. क्वेश्चन 1, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायंफ ऑफ. सो इतने ज़्यादा मात्रा में, इतने सारे नंबर्स में इंटरनेशनल लीडर्स, दुनिया के जाने माने लीडर्स क्यों इनॉग्रेशन को अटेंड करने आए थे एंड इनका आना किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किसकी जीत को सिग्निफाई करता है. सो अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू शो देयर सपोर्ट टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर इराडिकेटिंग द सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीट एंड सेलिब्रेट द फर्स्ट डेमोक्रेटिक लीडर नेल्सन मंडेला. सो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, दैट इज़ फर्स्ट कि वहाँ पे जो अपार्थीट था, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक का ये प्रैक्टिस था वो ख़त्म किया गया, इराडिकेट किया गया. इराडिकेट करना यानी एंड करना या रिमूव करना. सो बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने अटेंड किया था इनॉग्रेशन अपना सपोर्ट शो करने के लिए साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए. किस कारणवश, कि उन्होंने इराडिकेट किया, ख़त्म किया सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीट. ये जो अपार्थीट की प्रैक्टिस थी जो सेंचुरीज ओल्ड थी उसे ख़त्म किया और फर्स्ट डेमोक्रेटिक लीडर को सेलिब्रेट करने के लिए जो कि नेल्सन मंडेला थे. सो इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई इलेक्शन के थ्रू. एक लीडर जो प्रेसिडेंट है उनके नेल्सन मंडेला, वो इलेक्ट किए गए. इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी एंड पीस. एंड ये किसके ट्रायम्फ को सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई करना यानी इंडिकेट करना या सूचित करना. सो किसकी जीत को सूचित कर रहा है ये, जस्टिस की, ह्यूमन डिग्निटी की और पीस की, शांति की. व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. सो मंडेला ने जब कहा कि ही इज, ये जो है सब सारे अफ्रीकन पेट्रियट्स के जोड़ से बने हैं वो, तो उनका क्या मतलब था इस सेंटेंस से. सो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हम पार्ट्स की रीडिंग कर रहे थे. By saying that he was simply the sum of all those heroes, African patriots, Mandela meant that he is grateful to all those freedom fighters who had gone before him and sacrificed their lives for their countrymen. According to him, those heroes of the past had paved the way for the current patriots like him to achieve the freedom for the country. So, ye kahe ke ki ye jo hain sare African patriots ke sum hain, inka matlab ye tha ki ye sab ke liye thankful hain. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो उनके पहले आए थे एंड उन्होंने अपनी जान दी अपने कंट्रीमैन के लिए. एंड उनके अकॉर्डिंग, मंडेला के अकॉर्डिंग, ये जो हीरोज़ थे, हीरोज़ ऑफ द पास्ट, इन्होंने रास्ता बनाया, पेव द वे यानी रास्ता बनाया आज के पेट्रियट्स के लिए, करंट पेट्रियट्स के लिए, ताकि वो कंट्री के लिए फ्रीडम अचीव कर सकें. सो जो आज उन्होंने ये फ्रीडम अचीव की है, इसका जो रास्ता है ये पास्ट के हीरोज़ ने बनाया था उनके लिए एंड उसी रास्ते पर चल के फाइनली इन्होंने फ्रीडम पाई. वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट. सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. सो यस, हम अग्री करते हैं कि जो डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन है ये हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करती है, बनाती है. एंड हमें ये भी बताना है यहाँ पे कि मंडेला कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, कैसे इसका एग्जाम्पल शो करते हैं. सो इलस्ट्रेट करना यानी शो एन एग्जाम्पल. क्या आप अपने एग्जाम्पल इस आर्ग्यूमेंट के लिए ऐड कर सकते हैं? सो आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. इन द टाइम्स ऑफ पेरिल व्हेन ह्यूमन सोसाइटी इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम क्रूल्टी एंड ईविल, वी सी ह्यूमंस राइज अबव एंड शो इमेंस स्ट्रेंथ एंड डिस्प्ले ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज बाई टेकिंग ऑन द फाइट अगेंस्ट द ईविल फॉर द सेक ऑफ द होल सोसाइटी. सो हाँ, हम अग्री करते हैं कि जो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन है, ऑपरेशन की जो एकदम अति हो जाती है, एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, तब कैरेक्टर की हाइट्स जो है क्रिएट होती है. मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, ऐसे नोबल कैरेक्टर्स बन के आते हैं ऐसे टाइम पे. सो अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू दिस पैराग्राफ कि हम इस स्टेटमेंट का एक्चुअली में मतलब क्या है. सो इन द टाइम्स ऑफ पेरिल, सो पेरिल यानी मुसीबत का समय, व्हेन ह्यूमन सोसाइटी इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम क्रूल्टी. सो ह्यूमन सोसाइटी को जब एक्सट्रीम क्रूल्टी को सहना पड़ता है, बहुत ईविल आ जाती है सोसाइटी में, तब हम देखते हैं कि कुछ ह्यूमंस जो है
राइज करते हैं इस सिचुएशन से, उठते हैं इस सिचुएशन से एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं. इमेंस यानी ह्यूज स्ट्रेंथ दिखाते हैं, बहुत शक्ति दिखाते हैं एंड ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज़ डिस्प्ले करते हैं. ट्रू ह्यूमन क्वालिटीज़ कैसे डिस्प्ले करते हैं? बाय टेकिंग ऑन द फाइट यानी फाइट करते हैं ईविल के अगेंस्ट पूरी सोसाइटी के लिए. सो वहाँ पे वो सेल्फिशनेस नहीं दिखाते क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी, वन ऑफ द मेन ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या है, हम सोशल एनिमल हैं, हम सबके लिए काम करते हैं. सो फॉर दी सोसाइटी के लिए वो लड़ पड़ते हैं. सो नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका लाइक ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू एंड अदर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. सो नेल्सन मंडेला ने क्या एग्जाम्पल्स दिए, कैसे इलस्ट्रेट किया? एग्जाम्पल देखिए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स की, जो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे पास्ट के, जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू और बाकी सब, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की इस लंबे फ्रीडम स्ट्रगल में साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए. जैसे आपको पता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही स्ट्रगल था, हमारा स्ट्रगल 200 साल चला एंड सिमिलर सिनेरियोज थे. ब्रिटिशर्स थे जो कि उनका इम्पीरियल रूल था एंड उस रूल को ख़त्म करने के लिए ना मंगल पांडे से लेके लाला लाजपत राय से लेके भगत सिंह से लेके महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी सब ने मिलके यू नो उनके खिलाफ लड़े. एंड ये कौन थे? ये आम आदमी थे, कोई स्पेशल पीपल नहीं थे कि यू नो इनके पीछे कोई स्पेशल फोर्स थी. सिंपल आम आदमी थे जिन्होंने लोगों को आपस में जुटाया, जैसे नेल्सन मंडेला ने किया. एंड सेम एग्जांपल आप इस क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं. सो वी हैव सीन मेनी सच एग्जांपल्स इन आवर ओन फ्रीडम स्ट्रगल. मेनी इंस्पायरिंग लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर हैव डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व इन फ्रीइंग देयर कंट्रीमैन फ्रॉम इंपीरियल रूल. इस तरह के लीडर्स, इंस्पायरिंग लीडर्स जो हमें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी. आप अपने फेवरेट लीडर्स का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा है वो आप लिखें. शायद आपको सरदार पटेल ज़्यादा पसंद हो, आपको फॉर एग्जांपल नेहरू जी ज़्यादा पसंद हो, सो आप चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा पसंद हो, तो आप उनके यू नो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं. जस्ट दैट कि आपको एग्जाम्पल देना है. सो ऐसे लीडर्स ने क्या दिखाया? स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व दिखाया. सो रिजॉल्व का मतलब क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन. क्या चीज़ के लिए? अपने कंट्री मैन के फ्रीडम के लिए, इन फ्रीइंग देम, उनको फ्रीडम दिलाने के लिए. किससे? इम्पीरियल रूल से. सो इम्पीरियल रूल इस तरह का रूल था जब यू नो एक फॉरेन पावर किसी भी कंट्री में जाके अपना अथॉरिटेरियन रूल वहाँ पे रख देती थी, वहाँ के फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज यूज़ करती थी यू नो अपने फ़ायदे के लिए. सो ब्रिटिशर्स वर इम्पीरियल्स, सो उन्होंने अपना इंपीरियल रूल जैसे साउथ अफ्रीका में था वैसे इंडिया में भी डाला था. हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? सो मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम की वो कैसे चेंज हुई अपने एज और एक्सपीरियंस के साथ? सो आई थिंक इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स में भी देखा था. सो फ्रीडम मेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मंडेला. एज अ बॉय फ्रीडम मेंट बीइंग एबल टू डू फन एक्टिविटीज लाइक रन इन द फील्ड्स, स्विम इन क्लियर स्ट्रीम और राइड द बुल्स. As he grew to be a student, freedom meant to be able to stay out at night, read what he pleased, and go wherever he chose. According to him, those were transitory freedom. So, ये similar जो answer हमने लिखा था पहले, ये same यहाँ पे मैंने copy किया है. And then you can add on. I think then you have to add on कि जब वो adult बने and और experience आई उनकी तो उनका freedom का meaning कैसे change हुआ. So, as he grew into an adult, true freedom meant that the freedom to lead a lawful life without interruptions, that is freedom to achieve his potential of earning his keep, of marrying and having a family. Finally, when he saw his countrymen suffering, he understood that freedom is meant for everybody. It was a freedom from fear and prejudice. So finally, जब उन्होंने ये देखा कि उसके जो countrymen थे वो suffer कर रहे थे, तो उनको समझ में आया कि freedom जो है सब के लिए होनी चाहिए, is meant for everybody, not just himself. So maybe यहाँ पे आप add कर सकते हैं not just himself, because ये एक important turning point था उनके life का, जब उनको realize हुआ कि मैं तो सिर्फ अपने freedom के पीछे भाग रहा था but मेरे countrymen जो है वो भी suffer कर रहे हैं. तब उनको broader sense में realize हुआ कि उनकी freedom भी you know meaningful नहीं है. So उनका final definition क्या हुआ कि it was freedom from fear and prejudice. So prejudice यानि जो भी preconceived notions होते हैं, जो पहले से धारणा बनी हुई रहती है दूसरे के लोगों के लिए, उसके basis पे जब उनको आप you know डिस्क्रिमिनेट करते हो तो उसको आप प्रेजुडिस बोलते हो. तो ब्लैक्स के अगेंस्ट प्रेजुडिसेस थे एंड वो डर से भी रहते थे बिकॉज उनके पास पूरी फ्रीडम नहीं थी, कभी भी उनको जेल में डाला जा सकता था, यू नो बेसिक ह्यूमन राइट्स भी उनके पास नहीं थी. तो ये एक डर था, एक प्रेजुडिस थी. सो उससे फ्रीडम दिलाने का उनका फाइनली एक मकसद बना.
हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। सो मंडेला का जो हंगर था, भूख थी फ्रीडम की, उस भूख ने कैसे उनकी लाइफ को चेंज किया। सो एज एन एडल्ट मंडेला सून रियलाइज दैट वाइल ही वॉज रनिंग आफ्टर हिज ओन फ्रीडम टू लिव लाइफ एज ही वॉन्टेड, हिज कंट्री मैन आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फ्रीडम इन लाइफ। सो जैसे वो एडल्टहुड में आए मंडेला, उन्होंने जल्द ये रियलाइज कर लिया कि जिस फ्रीडम के पीछे वो भाग रहे थे, तो उनका फ्रीडम का डेफिनेशन क्या था उस समय, कि वो अपने मर्जी से अपनी लाइफ जी सके जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके कंट्रीमैन के पास तो बेसिक फ्रीडम भी नहीं है, ये तो ये मांग रहे हैं कि अपनी मनमर्जी कर सकें, बट दूसरे लोगों के पास तो बेसिक फ्रीडम भी नहीं है। सो ही विटनेस अपार्थीट इन एक्शन। सो इन्होंने क्या विटनेस किया, अपार्थीट का जो प्रैक्टिस था वो इन एक्शन उन्होंने विटनेस किया, देखा। इट क्रिएटेड अ न्यू डिजायर इन हिम, अ हंगर फॉर फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन। देन फाइनली जब आपने एक भूमिका डाल दी यहाँ पे कि कैसे ये हंगर आया उनमें, तो फाइनली यू विल से कि ये इस चीज ने उनके अंदर एक डिजायर डाली, एक कामना जगाई, एक हंगर जगाया फ्रीडम के लिए। एंड किसके फ्रीडम के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए। He joined African National Congress and actively participated in the freedom struggle for South Africa. So, फिर उन्होंने African National Congress को join किया, जो कि basically freedom struggle का part थी South Africa की. So, उसमें उन्होंने अपना active participation दिया. बहुत ही active हो गए उसमें. He transformed into a bold man. And he transformed. किसमें बदल गए? एक bold, एक बहुत ही confident, बहुत ही साहसी आदमी में वो बदल गए. He had to live a simple life like a monk. अवे फ्रॉम हिज फैमिली। एंड इसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उनको एक सिंपल लाइफ जीना पड़ता था एज एक मंक की तरह, एक साधु की तरह, अपनी फैमिली से दूर, बिकॉज उनको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था, उनको जेपडी में नहीं डाल सकते थे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को, सो उनको उनसे अलग रहना पड़ता था। फाइनली ही सक्सीडेड इन यूनाइटिंग पीपल एंड गिविंग स्ट्रेंथ टू हिज फ्रीडम टू दिस फ्रीडम स्ट्रगल कंट्री वाइड एंड एमर्ज विक्टोरियस। फाइनली उन्होंने पूरे लोगों को यूनाइट किया, स्ट्रेंथ दी फ्रीडम स्ट्रगल को, एंड फाइनली विक्टोरियस इमर्ज हुए। ही वॉज सक्सेसफुल इन इराडिकेटिंग अपार्थीट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड किस चीज़ में सक्सेसफुल हुए, अपार्थीट को कम्प्लीटली रिमूव करने का उनका जो मकसद था उसमें सक्सेसफुल हुए साउथ अफ्रीका के लिए। ही बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो डेमोक्रेसी के द्वारा, बेसिकली पीपल विल वोट, सबके वोट के द्वारा वो इलेक्ट हुए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो इस तरह से इस हंगर ने, जो एक कामना थी उनके अंदर, इस तरह से उनकी लाइफ को इस कामना ने चेंज कर दिया। फाइनली वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ये पूरी जर्नी आपको लिखने की बहुत ज़रूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बिकॉज ही बिकेम फ्रॉम अ सिंपल साउथ अफ्रीकन मैन टू द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सो इट्स दैट बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दिखाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस चैप्टर के अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।